सवाल, किस वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना हराम है? आपके ऑप्शन है, कोई हराम काम करने के बाद, बी तलाक के बाद, सी निकाह के बाद, डी खाना खाने से पहले। सही जवाब है ए, कोई हराम काम करने के बाद। आशूरा 10 मुहर्रम का रोजा सबसे पहले किस नबी ने रखा? आपके ऑप्शन है ए हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, बी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, सी हजरत नूह अलैहिस्सलाम, डी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। सही जवाब है सी हजरत नूह अलैहिस्सलाम। सवाल, किस दिन मगरिब की नमाज वक्त पर पढ़ना गुनाह है? आपके ऑप्शन है ए ईद के दिन, बी अरफा के दिन, सी अलविदा के दिन, डी पता नहीं। सही जवाब है बी अरफा के दिन। सवाल, सबसे पहले गेहूं की खेती किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, बी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, सी हजरत नूह अलैहिस्सलाम, डी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। सही जवाब है बी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। सवाल, सर पर ताज सबसे पहले किस बादशाह ने रखा था? आपके ऑप्शन है ए कारून, बी फिरौन, सी शद्दाद, डी नमरूद। सही जवाब है ए कारून। सवाल, वे कौन से पैगंबर हैं जो जैसा आगे देखते थे वैसा पीछे भी देखते थे? आपके ऑप्शन हैं ए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, सी हजरत नूह अलैहिस्सलाम, डी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। सही जवाब है ए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल, किस फरिश्ते को यहूदी अपना दुश्मन समझते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, बी हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, सी हजरत मीकाइल अलैहिस्सलाम, डी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम। सही जवाब है ए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद नदीम, ऐसे ही और सवालों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर। सवाल, वह कौन से पैगंबर है जो अल्लाह की अता से मुर्दों को जिंदा कर देते थे? आपके ऑप्शन है ए हजरत नूह अलैहिस्सलाम, बी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, डी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, डी हजरत ईस अलैहिस्सलाम। सही जवाब है बी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। सवाल, वह कौन सी चीज है जिसको अल्लाह इसका खालिक है कहना जायज नहीं? आपके ऑप्शन है ए कुत्ता, बी सुअर, सी गधा, डी पता नहीं। सही जवाब है बी सुअर, जिसे खिंजीर भी कहते हैं। कौन से नबी अपने भाई के साथ एक ही कब्र में दफन हुए? आपके ऑप्शन है
ए हजरत याकूब अलैहि सलाम, बी हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम, सी हजरत आदम अलैहि सलाम, डी हजरत ईस अलैहि सलाम। सही जवाब है बी हजरत याकूब अलैहि सलाम। सवाल, कुरान के किस सूरह में खत्म नबूवत का जिक्र आया है? आपके ऑप्शन है ए सूरह अहजाब, बी सूरह बकरा, सी सूरह कौसर, डी सूरह रहमान। सही जवाब है ये सूरह अहज़ाब। सवाल, हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पहली अजान किस नमाज की दी थी? आपके ऑप्शन है ए मगरिब, बी फज्र, सी जोहर, डी ईसा। सही जवाब है बी फज्र की नमाज। सवाल, किस इंसान को जहन्नम के अंगारे खिलाए जाएंगे? आपके ऑप्शन है ए झूठे को, बी चोर को, सी चुगली करने वाले को, डी हराम खाने वाले को। सही जवाब है डी हराम खाने वाले को। सवाल, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है हजरत आमीना, बी हजरत मरियम, सी हजरत फातिमा, डी हजरत हव्वा। सही जवाब है ए हजरत आमीना। सवाल, मौत का फरिश्ता दिन में कितनी बार हमारे घर आता है? आपके ऑप्शन है 3 बार, बी 1 बार, सी 5 बार, डी 2 बार। सही जवाब है डी 2 बार। सवाल, किस वक्त इंसान रुई की तरह उड़ते फिरेंगे? आपके ऑप्शन है ए मैदान महशर, बी कयामत के दिन, सी कब्र में, डी मालूम नहीं। और सही जवाब है बी कयामत के दिन। सवाल, रूहुल्लाह किस नबी का लकब है? आपके ऑप्शन है ए हजरत नूह अलैहि सलाम, बी हजरत ईसा अलैहि सलाम, सी हजरत मूसा अलैहि सलाम, डी हजरत ईस अलैहि सलाम। सही जवाब है बी हजरत ईसा अलैहि सलाम। सवाल, कौन सी इबादत को इबादतों का मजमुआ यानी झुंड कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए हज, बी रोजा, सी नमाज, डी ज़कात। सही जवाब है सी नमाज। सवाल, किस नमाज के दौरान किबला का रुख तब्दील हुआ? आपके ऑप्शन है ए नमाज असर, बी नमाज मगरिब, सी नमाज फज्र, डी नमाज जोहर। और सही जवाब है डी जोहर। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद नदीम, ऐसे ही और सवालों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सवाल, किस वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना हराम है? आपके ऑप्शन है कोई हराम काम करने के बाद, बी तलाक के बाद, सी निकाह के बाद,
डी खाना खाने से पहले। सही जवाब है ए कोई हराम काम करने के बाद। सवाल, सूरज ग्रहण के वक्त कौन सी नमाज पढ़ी जाती है? आपके ऑप्शन है ए नमाज कसूफ, बी नमाज इस्तखारा, सी नमाज कसर, डी नमाज खसूर। और सही जवाब है ए नमाज कसूर। सवाल, किस मजहब में मुर्दे को छूना मना है? आपके ऑप्शन है ए पारसी मजहब, बी यहूदी मजहब, सी इस्लाम मजहब, डी सिख मजहब। सही जवाब है ए पारसी मजहब। सवाल, किस वक्त इंसान रुई की तरह उड़ते फिरेंगे? आपके ऑप्शन है ए मैदान महसर, बी कयामत के दिन, सी कब्र में, डी मालूम नहीं। और सही जवाब है बी कयामत के दिन। सवाल, मदीना का पुराना नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ए मक्का, बी यसरिब, सी शाम, डी रियाद। सही जवाब है बी यसरिब। सवाल, वाक्य मिराज शरीफ के वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? आपके ऑप्शन है ए 52 साल, बी 42 साल, सी 50 साल, डी 55 साल। सही जवाब है ए 52 साल। सवाल, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश किस शहर में हुई? आपके ऑप्शन है ए मदीना, बी मक्का, सी बसरा, डी बगदाद। सही जवाब है बी मक्का। सवाल, सबसे ज्यादा हदीस किस सहाबी से मरवी है? आपके ऑप्शन है ए हजरत उस्मान, बी हजरत उमर, सी हजरत अबू हुरैरा, डी हजरत बिलाल हबसी। सही जवाब है सी हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु। सवाल, सर पर ताज सबसे पहले किस बादशाह ने रखा था? आपके ऑप्शन है ए कारून, बी फिरौन, सी शद्दाद, डी नमरूद।
सही जवाब है एक कारून। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद नदीम, ऐसे ही और सवालों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सवाल, हजरत अली और हजरत बीबी फातिमा की तीसरे बेटे का क्या नाम था? आपके ऑप्शन हैं ए इमाम मोहसिन, बी इमाम जाफर, सी इमाम महंदी, डी इमाम अबू हनीफा। सही जवाब है ए इमाम मोहसिन रजी अल्लाह। सवाल, हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हो के वालिद पिता का क्या नाम है? आपके ऑप्शन हैं ए हजरत अली, बी हजरत उमर, सी हजरत उस्मान, डी हजरत बिलाल। सही जवाब है ए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल, कुरान की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए सूरह कौसर, बी सूरह नास, सी सूरह इखलास, डी सूरह असर। सही जवाब है सी सूरह कौसर। सवाल, कुरान की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए सूरह जिन, बी सूरह रहमान, सी सूरह बकरा, डी सूरह यासीन। सही जवाब है सी सूरह बकरा। कुरान की वह कौन सी सूरा है जो सबसे पहले नाजिल हुई? आपके ऑप्शन है ए सूरह नमल, बी सूरह फातिहा, सी सूरह बकरा, डी सूरह यासीन। सही जवाब है सूरह नमल। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद नदीम, ऐसे ही और सवालों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सवाल, किस पैगंबर की कौम बहुत अमीर और शक्तिशाली थी? आपके ऑप्शन है ए हजरत नूह अलैहिस्सलाम, बी हजरत हूद अलैहिस्सलाम, सी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, डी हजरत सीस अलैहिस्सलाम। सही जवाब है हजरत हूद अलैहिस्सलाम। सवाल, सबसे ज्यादा हदीस किस सहाबी से मरवी है? आपके ऑप्शन हैं ए हजरत उस्मान, बी हजरत उमर, सी हजरत अबू हुरैरा, डी हजरत बिलाल हब्सी। सही जवाब है सी हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु। कुरान में किस सहाबी का नाम आया है? आपके ऑप्शन हैं ए हजरत जैद बिन हारिस, बी हजरत हसान बिन साबित, सी हजरत अबू हुरैरा, डी हजरत बिलाल हब्सी। सही जवाब है ए हजरत जैद बिन हारिस रजी अल्लाह अन्हु। सवाल, कुरान में कुल कितनी सूरतें हैं? आपके ऑप्शन हैं ए 102, बी 114, सी 30, डी 80।
और सही जवाब है बी 114। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद नदीम, ऐसे ही और सवालों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद नदीम, ऐसे ही और सवालों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। Oh.
वो कौन से नबी है जिन्होंने चांद के दो टुकड़े किए? आपके ऑप्शन है ए हजरत नूह अलैहिस्सलाम, बी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, सी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और डी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सही जवाब है डी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद नदीम, ऐसे ही और सवालों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सवाल, अल्लाह को फारसी जबान में क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए रब, बी खुदा, सी भगवान, डी माबूद। सही जवाब है बी खुदा। सवाल, किस नबी ने जिन्नात की बेटी से शादी की थी? आपके ऑप्शन है ए हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, बी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, सी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, डी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। सही जवाब है सी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। सवाल, सबसे पहले दुनिया की कौन सी नेमत वरदान उठाई जाएगी? आपके ऑप्शन है ए पानी, बी खजूर, सी शहद, डी पेड़। सही जवाब है सी शहद। सवाल, दुनिया में सबसे पहले तलाक किसने दी? आपके ऑप्शन है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, बी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, सी हजरत नूह अलैहिस्सलाम, डी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। सही जवाब है ए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम।
सवाल, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद पिता का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है ए अबू तालिब, बी अबू हुरैरा, सी अब्दुल्लाह, डी अबू मुतल्लिब। सही जवाब है सी हजरत अब्दुल्लाह। सवाल, चांद ग्रहण के वक्त कौन सी नमाज पढ़ी जाती है? आपके ऑप्शन है ए नमाज कसूफ, बी नमाज इस्तखारा, सी नमाज कसर, डी नमाज खसूफ। सही जवाब है डी नमाज खसूफ। सवाल, कौन से नबी का निकाह फरिश्तों ने पढ़ाया था? आपके ऑप्शन है ए हजरत नूह अलैहिस्सलाम, बी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, डी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। सही जवाब है बी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जमीन पर कौन लाया? आपके ऑप्शन हैं ए हजरत जिब्राइल अमीन, बी हजरत इसराफील, सी हजरत मिकाइल, डी हजरत बिलाल। सही जवाब है ए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। सवाल, किस मुसलमान पर जिंदगी भर जुमा की नमाज फर्ज नहीं होती? आपके ऑप्शन है ए मुसाफिर, बी हाजी, सी बीमार, डी माजूर। सही जवाब है डी माजूर। सवाल, वह कौन सा पानी है जो ना आसमान से बरसा, ना जमीन से निकला और ना ही किसी दरख्त के निचोड़ने से निकला, फिर भी उससे वजू जायज है? आपके ऑप्शन है ए पहाड़ का पानी, बी दरिया का पानी, सी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली से निकला पानी, डी पता नहीं। सही जवाब है सी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली से निकला पानी। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद नदीम, ऐसे ही और सवालों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।